देखना यहाँ पर पद दिया हुआ। तो मास्टर अभी बताया था, पीछे वाले बच्चे गौर फरमाएंगे, पद के बगल में एन सी होगा कि वो सी, वो सी में आई कि नहीं। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर पद आ गया। तो अभी टीचर ने लिखाया था कि पद एक्सेप्ट और लाइक के बगल में जब भी आएगा ओसी आएगा, और आपको पता होगा ओसी में ही नहीं, यानी कि ही गलत है, और इसके जगह पर कौन सी, एक्सेप्ट के बगल में दे और देव में कौन सी हो, क्योंकि एक्सेप्ट के बगल में कौन सी हो, दे नहीं क्या चीज। एक बार इसका फिर थोड़ी सुन ले कि अगर बट एक्सेप्ट और लाइक के बगल में जो भी प्रोनाउन आएंगे वह हमेशा कौन केस का होगा, जब यह एडजेक्टिव आएगा इसके बगल में नाउन है। लेकिन प्रोनाउन के बारे में पढ़े होंगे कि प्रोनाउन आता है नाउन के बदले, जब प्रोनाउन आ गया तो बगल में नाउन नहीं है। नाउन कहते हैं किसको, तो देखो खाली स्थान के बाद बट आ, जब से जन्म लिया अभी तक कभी नहीं सुना हो कि बट किसी का नाउन, नाउन नहीं है, तो खाली स्थान के बगल में नाउन नहीं आ रहा, तो पोसेसिव प्रोनाउन है, और पोसेसिव प्रोनाउन में माई नहीं क्या होगा। ये यहाँ पर समझिए अरे बाबू, लिखा हुआ ए बाबू दैट इज खाली स्थान ऑफ फुल स्टॉप आ, फुल स्टॉप, एडमिशन बगल में नाउन नहीं है, तो नहीं आ रहा, तो नाउन नहीं आ रहा, नाउन नहीं आएगा, तो पोसेसिव प्रोनाउन होगा, और यूर नहीं कौन चीज, यहाँ पर यूर सिखा।